लॉर्ड ऑफ स्टूडेंट्स आर स्ट्रेस्ड सबको लग रहा है कि इतना बड़ा सिलेबस हम छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में कैसे कवर करें कई स्टूडेंट्स ने प्रपरेशन स्टार्ट नहीं करी है तो कई प्रेपरेशन के बीच में फंस गए हैं एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो पूरे सिलेबस को एग्जाम टाइम से पहले स्क्वीज करके अपने दिमाग में कैसे घुसाएं सो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं थ्री स्टेप बाई स्टेप रूल्स दैट यू कैन फॉलो इन ऑर्डर टू कवर योर यूजीसी नेट सिलेबस आपके सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश हो

कि आप कल से ही इस फॉर्मूले को यूज़ करना शुरू करें एंड विद इन टू और थ्री डेज यू विल सी अ वेरी वेरी बिग डिफरेंस इन हाउ यू स्टडी एंड हाउ मच यू आर एबल टू एब्जॉर्ब बिकॉज आई हैव स्पोकन टू अ लॉट ऑफ टॉपर्स ऑफ यू जी सी नेट हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं हमारे कोर्स के इतने सारे टॉपर्स हैं जिनसे हम वन टू वन बात करते हैं और समझते हैं कि उनकी प्रेपरेशन स्टाइल में ऐसा क्या था जिसने उन्हें जे आर एफ दिलवाया जिसने उन्हें यू जी सी नेट का टॉपर बनाया और वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उन सभी चीजों को कंबाइन करते हुए मैं ये थ्री स्टेप आपके सामने लेके आई हूं। तो चलिए शुरू करते हैं तो चलिए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सामने यूजीसी नेट का सिलेबस एक बार देखें तो जब आपके आंखों के सामने आपका यूजीसी नेट का सिलेबस होगा तो आप देखेंगे कि उसमें एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है

अब दिस बेनिफिट क्या होता है इस चीज का दिस बेनिफिट ये होता है कि जब आप रटते हैं तो और एमसीक्यू में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें चार ऑप्शन रिलेटेड है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपने समझा नहीं है आपने रट लिया है सेम उसी शब्दों में तो क्वेश्चन आएगा नहीं जो शब्द आपने रटे हैं तो रटना एमसीक्यू एग्जाम में कभी भी फायदेमंद नहीं है इसीलिए स्टेप वन तो सबसे क्रूशियल है स्टेप वन कहता है अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड मतलब समझना समझने को हम ट्राई कैसे कर सकते हैं हम किसी भी किसी चीज़ को समझ सकते हैं हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किसी चीज़ को समझ लिया है तो जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं अपने नोट से पढ़ें बुक से पढ़ें ऑनलाइन कोर्स से पढ़ें आप ये देखिए कि क्या आप उस टॉपिक को सिंपल शब्दों में एक ले मैन को समझा सकते हैं जो आपके फील्ड का नहीं है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर का एक टॉपिक लूं जैसे विलियम शेक्सपियर और विलियम शेक्सपियर के बारे में आपको इस तरीके से बताऊं कि अगर आपने इस इंसान का नाम कभी नहीं सुना है तो भी मेरे समझाने के बाद आप उस इंसान के बारे में मेरे जितना नॉलेज जानते हैं तो असली मायने में मैंने विलियम शेक्सपियर को समझा है इसी तरीके से कोई भी टॉपिक हो आपको हर टॉपिक को ऐसे समझना है जैसे आप किसी को पूरा अच्छे से उसे समझा सके दैट विल एक्चुअली टेल यू कि क्या आप उस टॉपिक की सारी बारीकियों को जानते हैं तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करनी है तो हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ें और उसे अपने फ्रेज में खुद को समझाएं यू हैव टू रीफ्रेज इट एंड एक्सप्लेन इट टू योर सेल्फ एंड देन सी हाउ मच हैव यू अंडरस्टूड सो दैट है स्टेप टू पे देखिए आपने किसी चीज को समझ लिया बट एग्जाम में आपको वो चीज याद करनी होगी याद मीन्स टू लर्न स टू मेमोराइज आपको उस चीज को मेमोराइज करना होगा सिर्फ विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ा हुआ आपको काम नहीं आएगा क्योंकि अगर उन्होंने पूछा कि विलियम शेक्सपियर किस साल में पैदा हुए थे तो आपको यह चीज मेमोराइज करनी होगी तभी आप एग्जाम में करेक्ट आंसर टिक कर पाएंगे नाउ मेमोराइजेशन का सबसे सही तरीका क्या है और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट आई हैव सीन ट्राई टू मग द इंफॉर्मेशन वो बार बार एक ही चीज को पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और सोचते हैं हम रट्टा मारने बट रट्टा मारना एक सही तरीका नहीं है क्यों क्योंकि हमें लगता है कि हम अपने इन्फॉर्मेशन दिमाग में भरते जाए बट एक्चुअली दिमाग कब काम करता है दिमाग काम करता है जब हम इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करते हैं हम अपने दिमाग पे प्रेशर बिल्ड करते हैं कि वो हमें सही इन्फॉर्मेशन निकाल के दे एंड इस प्रैक्टिस को सही तरीके से करने का तरीका है रिकॉल प्रैक्टिस ना वॉट इज रिकॉल प्रैक्टिस रिकॉल प्रैक्टिस एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको ये कहता है कि अगर आपको कोई भी चीज़ को याद करना है तो आप उसे पढ़े किताब बंद करें और अपने आप खुद से पूछे कि आपने क्या क्या पढ़ा है और अपने दिमाग पे प्रेशर बिल्ड करे कि वो आपको सारी चीज़ें लाइन बाय लाइन बताए ना ये तरीका कई बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है क्यों क्योंकि हमें लगता है हमें तो कुछ याद ही नहीं हुआ हमने तो 20 मिनट से ये टॉपिक पढ़ा है लेकिन अब जब हम किताब बंद करके खुद से पूछ रहे हैं तो हमें कुछ भी याद नहीं है तो ये फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है बट इसका इफ़ेक्ट बहुत बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है वो क्यों क्योंकि दैट इज हाउ आर ब्रेन एब्जॉर्ब्स इंफॉर्मेशन को मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टडी करी गई थी अमेरिका में और वहां पे उन्होंने तीन ग्रुप्स में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया पहले ग्रुप को टॉपिक दिया और उनको बोला कि आप बार बार इस टॉपिक को और इसके अंदर के कंटेंट को पढ़ते जाइए सेकेंड ग्रुप को टॉपिक दिया और उनको बोला कि इस टॉपिक को आप समझिए अलग अलग तरीके से और तीसरे ग्रुप को टॉपिक दिया और फिर उसके बाद उनको एक क्विज का पेपर दिया और उनको बोला अब आप ये सॉल्व करिए क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से किसने ढंग से सबसे ज्यादा स्कोर किया होगा सी खुद से बार बार सवाल पूछते हैं तो आपका दिमाग मजबूर हो जाता है कि वो बहुत ध्यान से उस इंफॉर्मेशन को समझे और उसे याद रखने की कोशिश करे बिकॉज जब आप रट्टा मार रहे हैं तो आपके दिमाग में कई बार तो वो इंफॉर्मेशन जाती है कई बार आप किसी और सोच में चले जाते हैं और वो इन्फॉर्मेशन जाती ही नहीं है सो कॉन्शियसली रिकॉल प्रैक्टिस चालू करें कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़े तो सबसे पहले स्टेप वन उसे समझें समझ के अपने शब्दों में समझाएं सेकेंड स्टेप इज अब आप किताब बंद करके रिकॉल करने की कोशिश करिए वो सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी अगर आप एक राइटर की बात कर रहे हैं जैसे विलियम शेक्सपियर तो आप याद करिए उसका बर्थ कहाँ हुआ था उसके पेरेंट्स का नाम क्या था उसने सबसे पहले अपनी लाइफ में कौन सी किताब लिखी उस किताब में कौन कौन से कैरेक्टर्स थे फिर उसके बाद में क्या वो कहीं घूमने गया था अगर वो कहीं किसी राइटर से मिला तो उसके बारे में याद करने की कोशिश करिए फिर आप उसके कुछ फेमस कोट्स याद कर सकते हैं अगर उसके बारे में किसी और राइटर ने कोई टिप्पणी करी है तो आप वो याद रखने की कोशिश करिए इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने आप को बार बार सवाल पूछिए और याद करने की कोशिश करिए कि आपने किताब में क्या पढ़ा था ये प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है आई अंडरस्टैंड बट इस प्रैक्टिस से आप इतने अच्छे से किसी भी टॉपिक को याद कर सकते हैं जितने अच्छे से आप किसी और मेथड से नहीं कर सकते थर्ड इन द लास्ट स्टेप इज कलर कोडिंग नाउ व्हाट इज कलर कोडिंग बेसिकली इट इज अ मेथड दैट यू यूज फॉर रिविजन सबसे पहले किसी भी टॉपिक को समझा अंडरस्टैंड सेकेंड हमने उस टॉपिक को याद किया दैट इज मेमोराइज यूजिंग रिकॉल प्रैक्टिस एंड नंबर थ्री इज हमने रिविजन किया दैट इज यूजिंग कलर ब्लॉकिंग नाउ वॉट इज कलर ब्लॉकिंग कलर ब्लॉकिंग इज अ टेक्निक दैट इज यूज इन ऑर्डर टू मेक योर रिविजन साइकिल्स वेरी एफिशियंट हम सबको पता है कि हमको इतना बड़ा सिलेबस कवर करना है कि अगर हम उस सिलेबस को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा पूरा रिवाइज करेंगे तो शायद हम एक या दो बार से ज़्यादा रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो हम अपने रिविजन को किस तरीके से और एफिशियंट बना सकते हैं उसके लिए यूज होती है कलर ब्लॉकिंग टेक्निक विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रैफिक लाइट टेक्निक ट्रैफिक लाइट टेक्निक में क्या होता है आपके पास तीन रंग है रेड तो आप, आप की कोशिश करी और 10 पॉइंट्स थे टोटल जिसमें से चार पॉइंट्स आपको अच्छे से याद थे आपने उनको ग्रीन कलर से टिक कर दिया तीन ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको थोड़े थोड़े याद थे पर थोड़े थोड़े आप कंफ्यूज भी थे बहुत कॉन्फिडेंटली आपको याद नहीं थे उनको आपने येलो कलर से मार्क कर दिया और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बचे हुए थे वो ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं थे उनको आपने रेड कलर से मार्क कर दिया तो अब आपके पूरे पेज में तीन कलर्स हैं ग्रीन येलो एंड रेड अगली बार जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ग्रीन तो रिवाइज करना ही नहीं है अब आपको सिर्फ येलो और रेड रिवाइज करना है और पिछले रिवीजन में क्योंकि आपने वापस से इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में डाली है आपके दिमाग में वापस से वो चीजें रिकॉर्ड हुई है तो अब हो सकता है कि कुछ येलो आपको अच्छे से याद हो इस बार तो नाउ दो येलो विल टर्न इन ग्रीन ये ऑफलाइन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपको अलग अलग कलर से मार्क करना होता है फिर आप उन्ही कलर्स पे ओवर करते हैं दूसरे कलर फॉर एग्जाम्पल कोई चीज पिछले रिविजन में येलो थी

ट्वेंटी पेजेस के नोट्स रह गए थे जिसे रेड कलर में मैंने मार्क किया था और सिर्फ वही ट्वेंटी पॉइंटर्स ट्वेंटी पेजेस के पॉइंटर्स मुझे याद करने थे ऑफलाइन की जगह अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो ये प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है बिकॉज जब आपने वो नोट्स को कलर करना होता है तो आप सिर्फ कलर चेंज कर सकते हैं आपने चार पॉइंट्स को ग्रीन किया तीन को येलो किया अगली बार वो येलो पॉइंट्स आपको याद है अच्छे से तो आप डायरेक्टली उस येलो कलर के जगह उनको ग्रीन कर सकते हैं बट ऑफलाइन में नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं यू कैन यूज पेंसिल पेंसिल एंड के साथ में कुछ फॉर सिंगल स्टार आपको याद है डबल स्टार मीन आपको याद नहीं है थोड़ा थोड़ा एंड तीन स्टार मीन्स आपको बिल्कुल याद नहीं है तो आपको बस स्टार एड या सब्ट्रैक्ट करने होंगे इरेज करके एंड आपके नोट्स उस तरह से सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज हो जाएंगे सो so, ये थी uh, Three step formula which will help you to learn anything in the most efficient manner and in the least possible time. I hope this method helped you in your exam preparation, and I also hope that you will put in the comment section what you are thinking about this video. Did you like it? Did you not like it? Do you find this? technique efficient do you find this technique horrible i would like to know in the comment section below so don't forget to comment uh, below and with that note i would like to take your leave that's it from my side for this video lecture i'll meet you very soon in the next video lecture till the time we meet next happy learning keep loving literature and stay tuned to arpitakarwa.com